तो अगर सैम्पायर बैक तो जब बात करें गोकिन तोशी एस्ट्रिक या फिर द एस्ट्रिक वॉर के एपिसोड 3 और 4 के बारे में, तो लेट्स बिगिन। तो क्लॉडिया आते को अपने रूम बुलाती है उसे एक फेवर मांगने के लिए। तो बेसिकली वहाँ कुछ टाइम बाद फोनिक फेस्टा जो कि टैग टीम टूर्नामेंट था, और उसके अकॉर्डिंग जितने वहाँ की अकेडमीज थी सबके रैंक डिसाइड होने वाले थे। तो जितने उनके पार्टिसिपेंट थे सदुकन अकेडमी से सबके ऊपर अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें विदड्रॉ करना पड़ता कॉम्पिटिशन से, क्योंकि मैक्सिमम इंजर्ड हो गए थे उनमें से। तो उनका नेक्स्ट टारगेट थी वो थी जूलिस, तो उसे फेवर मांगती थी उसे मतलब सेव करने के लिए, और जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बंदा उसका पता लगाने के लिए। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है वो, और बेसिकली जो इनके ऊपर दो बंदों के ऊपर शक था, एक था लेस्टर और एक था दोस्त था उसका, तो उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बदले में जो अपने प्रेजिडेंट को लड़ा थी उसे कहते उसके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो खैर एनिमे का मेन कैरेक्टर है, तो मतलब इससे शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है, जो कि हर एनिमे ऐसा होता ही है। तो नेक्स्ट दिन जो मैं जूलिस और आयातो थे वो जाते अपने डेट पे या फिर आपके शहर घुमाने के लिए। तो वहाँ पे जब जा रहे थे वहाँ दिखाते थे बहुत सारे वेन्यू वगैरह जहाँ पे मतलब वो होना था टूर्नामेंट, तो वहाँ उन्हें मिलता है लेस्टर उसका दोस्त। तो बेसिकली उसे फिर से मैच के लिए बोलता है, लेकिन जो आयातो था उसे मतलब गुस्सा दिलाता है बार बार ये बोल के कि मतलब कॉवर्ड है एक, और जो उस पर अटैक कर रहे हैं वो उनसे कुछ कम नहीं है। लेकिन इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास अपने एक ऑनर कोड था तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा सिर पर नहीं लेता और वहाँ से चले जाता है। तो उसे कुछ टाइम बाद अपने घर वहाँ जा रहे हो तो दोनों, तो रास्ते में जो लीफलू के अकेडमी के स्टूडेंट्स थे उन पर अटैक कर लेते हैं। तो जो लीफलू के स्टूडेंट्स थे उन पर अटैक तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका बिगाड़ नहीं पाते हैं। जो जूलिस थी उन्हें बड़े आराम से हरा लेती हैं, और जब उसे पूछती है कि मैंने उन पर अटैक क्यों किया है तो उसे बताते हैं कि एक हुडेड मैन ने उसे हायर किया था उन पर अटैक करने के लिए पैसों के बदले। तो मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता मतलब किसने उन पर अटैक किया था, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उन्हें पता नहीं थी। तो लेकिन इस फाइट में जो आया था उसे कपड़े फट जाते हैं, तो उसके बाद उसे अपने रूम ले आती हैं जहाँ पे उसे स्टिच करने ले आते हैं उसे कपड़े। तो वहाँ पे उसे स्टोरी बताती है अपने बारे में, कैसे बचपन में वो अपने जो महल था पैलेस वहाँ से बाबा भाग जाती थी विदाउट परमिशन, और एक दिन वो एक गलियों में खो गई थी। तो वहाँ पे जो कुछ गर्ल्स थी उन्हें बचा लिया था, और जो लड़कियाँ थी वो एक ऑर्फनेज की थी, और जो ऑर्फनेज था वो उसकी जो माँ थी उसने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन जो ऑर्फनेज की फंडिंग थी वो बहुत कम हो रही थी पर दिन, क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट या फिर मोनार्ची कह सकते हैं वो एक पपेट थी पूरे यूरोप वाली मोनार्ची के अंदर। तो उन्हें कोई भी मतलब पैसे नहीं मिलते थे किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, तो पैसे कमाने के लिए वहाँ पे आई थी ताकि मतलब खुद फाइट में जीत के उस ऑर्फनेज को चला सके। तो मतलब यही उसका एक मेन मोटिव था। लेकिन जो शहर था उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे लड़ते हैं आपस में और इस चीज़ को पूरी दुनिया इंजॉय करती है, जो कि मतलब काफ़ी गलत बात है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन पैसों के लिए वो उसे करना ही पड़ता ये सब कुछ। तो आप कैसे जो उसकी ड्राइव थी पैसे कमाने की वो बिल्कुल मतलब बुरी नहीं थी, बल्कि वो पैसे सिर्फ ऑर्फनेज की भलाई के लिए कमा रही थी। तो नेक्स्ट दिन जब जाते अपने स्कूल तो वहाँ पर उसे मिलता है एक चैलेंज का लेटर, जिसे देख के वहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाती है। इसे देख के जो आया था वो ज़्यादा परेशान होता है, उसे लगता है बिल्कुल उसे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए कुछ उसे बताया नहीं उसने। लेकिन तभी वहाँ पर आते क्लॉडिया उसे बताती है कि उसे एज अ फ्रेंड कंसिडर करती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वहाँ से अकेले चली गई है। जिसे देख के जो अपने आया था मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और पता चलता है उसने करना क्या है फ्यूचर में, तो इसलिए वो सरव्यस्तक को लेके वहाँ से ऐसे चले चले आता उसकी मदद करने के लिए। तो जब जूलिस पहुँचती उस प्लेस पे उसे बुलाया था, तो वहाँ देखते सिलास नॉर्मन जो कि लेस्टर का एक फ्रेंड था, तो देख के थोड़ी बेरान नहीं होती है, क्योंकि जब आया उसे गुस्सा दिलाया था लेस्टर को तब से उन्हें शक था उस बंदे के ऊपर कि वो इस पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो उसे बस एक चीज़ कहता है कि जो फिनिक्स फिस्टा है उसे विदड्रॉ ले ले, लेकिन इस चीज़ के लिए वो नहीं मानती हैं। तब जो उस लेटर कंटेंट थे उसको मतलब मिला था उसके बारे में बताते हैं कैसे उसमें लिखा हुआ था, अगर वहाँ पे अकेली आती है तो वह आते कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए वहाँ पे अकेली आई थी वो। लेकिन जब सब कुछ हो रहा होता है तभी वहाँ पर आता है लेस्टर, जिसे सिलास ने वहाँ पर बुलाया हुआ था ताकि उसे फंसा सके सब चीज़ के ऊपर, कि मतलब पहले इंजर्ड कर देगा वो जूलिस को और सबका इंजाम लगा देगा वो लेस्टर के ऊपर, क्योंकि उसकी हिस्ट्री थोड़ी भी अच्छी नहीं थी और सब उसका विश्वास नहीं करेगी। तो इसे जो लेस्टर बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस पर अटैक करने के चले आता है। लेकिन तभी वहाँ पर आते बहुत सारे हुडेड मैन जो उसे रोक लेते हैं, और जो बेसिकली हुडेड मैन थे ये कोई और नहीं रोबोट्स थे उसे कंट्रोल कर रहा था सिलास। तो आप कैसे जो बेटे रोबोट्स थे उन सब का जो आप कैसे ओरिजिन से पता चल जाता है जूलिस को, जो कि कोई और नहीं बल्कि एलिकेट एकेडमी के थे।
तो क्योंकि जब जुलिस थी वो सब कुछ जान चुकी थी, कैसे जो एलिगेंट एकेडमी थी वो सिलास को पैसे देती ताकि जो इंजर्ड कर सके वो सैथिकोन एकेडमी के बच्चे के, ताकि जो एलिगेंट थी वो जीत जाए टूर्नामेंट को। तो इस सब के चक्कर में जो सिलास था उसे मारने के लिए प्लानिंग करता है ताकि राज बाहर ना आ जाए, तो मैं बहुत सारे रोबोट्स को समन करता है। लेकिन जो अपनी जुलिस थी उनसे मैं ठीक ठाक लड़ती है पहले, लेकिन उनके नंबर बहुत ज़्यादा थे रोबोट्स के तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। तो लास्ट में जब वो मरने वाली होती है तभी वहाँ पर आता है आयातो जो उसे बचा लेता है, और जो अपनी उसकी पावर तैयार था जो उसे अनलीश करता है ट्रू पावर अपनी, तो ये बिल्कुल से एक सैवेज फोर्स थी, तो जितना के रोबोट्स थे उन सबको मार लेता है। तो इस चीज़ को हारता देख के जो सिलास था समन करता है अपनी जाइंट रोबोट यानी कि क्वीन कह सकते हैं, क्योंकि जितना के रोबोट्स थे सब कुछ चेस विजुलेशन के रूप में वो करता था चीज़ें, उन्हें कंट्रोल करने की प्रक्रिया चेस की तरह थी उसकी। तो वहाँ पर जब उस चेस को मतलब क्वीन को समन करता है तो या तो उसे बड़े आराम से हरा लेता है। तो जो सिलास था इस सब को देख के वहाँ से भागना शुरू कर लेता है, लेकिन जो जुलिस अपने आयात थे उसे पीछा करते हैं और लास्ट में उसे नीचे गिरा लेते हैं आसमान से। तो उसी टाइम पर जो अपनी आयात थी जो शक्तियाँ थी वो मतलब फिर से कम हो जाती है, क्योंकि उसकी चेन्स थी वो वापस से मतलब उसके ऊपर आ जाती हैं, और जो चेन्स उसकी बहन ने लगाई थी ताकि जो उसकी जो सेवेज फोर्स थी उसे इम्प्रिजन कर सके, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा एक बच्चे के लिए वो। तो पूछते उसके बारे में ऐसा क्यों किया उसने, तो उसको इसके बारे में पता बिल्कुल नहीं होता है, और वो मतलब बहन को इसलिए ढूंढ रहा होता है ताकि पता चले कि क्या सीन है उसका। तो उसके बाद वो पूछता है कि उसे अपने पार्टनर के रूप में वो स्वीकार करेगी अपने टूर्नामेंट के लिए, तो उसकी चीज़ के लिए वो मान जाती है। तो इसकी वजह सिलास था उसे कैप्चर करते क्लॉडिया जो नीचे खड़ी हुई थी उसे बहुत ज़्यादा मार मुर के। तो उसके बाद जो वो दिखता है कबूकी जो उसका दोस्त है, मैं पहले बताता हूँ उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप कैसे जो अपने इस क्लॉडिया और कबूकी थे वापस से मिले हुए थे, और जो कबूकी था वो एक शेडो को स्टॉर्म्स का एक मेंबर था जो आप इन्फॉर्मेशन निकालते थे सदकन एकेडमी के अंदर। तो आप कैसे दोनों आपस में मिले हुए थे इस चीज़ के अंदर, तो बात करते हैं मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेगी वो। लेकिन जो ये सब कुछ देख रहे थे एलिगेट एकेडमी वाले, उन्हें कोई भी प्लान नहीं था टूर्नामेंट जीतने का या फिर कुछ करने का, बल्कि वो सिर्फ वहाँ पर डाटा इकट्ठा कर रहे थे। तो कैसे इन सब का मतलब जो रोबोट्स थे वहाँ पर वो सिर्फ वहाँ पर डाटा इकट्ठा करने के लिए उसने डाले हुए थे, ताकि वहाँ की जो फाइटिंग थी उन लोगों की उसके ऊपर एक मतलब डाटा टाइप अपने इकट्ठा कर सके वो। तो मतलब उसके बाद एपिसोड हमारे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा बाय।